Hey Mandal, what's up? So, hello everyone. My name is Aryan. ये अभिषेक मंडल. अभिषेक मंडल है, मेरा रूममेट है. हम लोग दोनों रूममेट्स है, ठीक है. थे ठीक है. आज लास्ट दिन है हमारा कॉलेज का. कॉलेज ठीक है. तो लाइक कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ मैं कि क्या हुआ. सर बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अभी कंप्लीट कर देंगे. जो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए वो बोल देंगे, ठीक है. अगर कुछ एक्सपोज करना हो तो वो भी कर देंगे. चलो ठीक है. तो तीन साल तुम्हारे लिए कैसा था? अच्छा था, नॉट बैड. तुमको कुछ कल्चरल शॉक मिला? कल्चरल शॉक नहीं मिला मेरे को. जैन का माहौल चला, शॉक नहीं मिला, पर बस न्यू अच्छा लगा. पर बहुत सीख रहे तुम लोग बहुत ज्यादा कि ये ना करो वो करो, ये ना छुओ वो ना छुओ, मतलब ज्यादा नहीं होता कभी. अच्छा, वो मतलब वो रिलीजन को लेके बोल रहा है, वो कुछ और नहीं जेंट्स के लिए बोल रहा है. ठीक है, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ. हाँ, तुम बहुत. मेरे को तो बहुत कल्चर शॉक मिला, काफी ज्यादा कल्चर शॉक मिला. तेलुगु का? हाँ, तेलुगु लोग बहुत डिफरेंट है, साउथ में लोग काफी डिफरेंट है, पर अच्छे लोग भी है. मुझे लगा था कि मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा. नहीं, कुछ लोग अच्छे भी है. हाँ, ये लोग कितना टाइम स्पेंड किया. चलो अब एक्चुअल बात में आते हैं. तुम्हारा हार्ट ब्रेक के बारे में बताओ, कैसा फील कर रहे हो अभी तुम? Nope. कोई हार्ट ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सही हूँ मैं, देख के लगता भी नहीं है. ठीक, वो बोलना नहीं चाहता. ठीक है, तुम्हारा बताओ, तुम तो रोते रहते रूम. नहीं नहीं मैं ठीक है. बता. अभी नहीं पता क्या होगा, बट उसका याद तो आएगा मुझे. किसको नहीं आएगा, मुझे सबका याद आएगा. तो अब मुझे एक चीज पता है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं कभी इतना 100% नहीं दे पाऊंगा किसी को, क्योंकि obviously. हाँ. अच्छा, सोचो फ्यूचर में अगर तुम दोनों साथ हो गए फिर से. नहीं पता मुझे इसलिए. ठीक है, और बताओ सबसे बड़ा दुश्मन पूरे कॉलेज में कौन है जो तुम बहुत गुस्सा आता है? नफरत किससे करता हूँ? नफरत कॉलेज छोड़ दी है यार, बहुत इजी है. हम दोनों को पता है. देखो यार, हम लोग बोल नहीं सकते. बोल सकते क्या? तुम्हारा वीडियो तुम अगर पोस्ट ना, अगर मैं देखो, मैं तो पोस्ट करने वाला हूँ, मेरे को डॉक्यूमेंट करना है पूरा. ठीक है, तो मेरा रूममेट थर्ड वाला, ठीक है, वो इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है मेरे लाइफ में, किसी और ने नहीं किया, एटलीस्ट कैंपस में. भाई वो पागल आदमी है. वो नहीं पता, कुछ नहीं बोल सकता अभी. तुम पोस्ट करोगे, मैं सोचा अगर उसको मैं ही फॉरवर्ड करूंगा कि देखो. हाँ, करना करना, बेकार आदमी है. लाइक अभिषेक, अगर तू नाम तो बोल ही दिया तुमने, ठीक है, मैं फक यू थर्ड रूममेट. मेरे को नफरत नाम की चीज नहीं है, पर हाँ गुस्सा है बहुत चीजों का, बहुत ज्यादा. अच्छा, मतलब हिपोक्रेसी की वजह से. अभी क्या करना है? अभी तीन साल खत्म हो गए, अब क्या करोगे तुम? अरे तुझे मैं बताया तो है, पर्सनल डेवलपमेंट पूरी तरह. पहले तो फिर से जिम शुरू कर दूंगा. मैं भी शुरू करूंगा. बॉक्सिंग सीखूंगा. हाँ, बॉक्सिंग मैं जिम बस करूंगा. फिर अपना स्टॉक मार्केट सीखना है मुझको. स्टॉक मार्केट तो वो मुझको सीखना नहीं है, वो पार्ट ऑफ लाइफ बना दूंगा उसको मैं. सुबह उठकर वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. इन्वेस्ट करना है, रिटर्न लेना है, फिर से सेविंग शुरू करना है. सेविंग्स इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, पता है ना, मैं बता रहा था. यहाँ पर बोल दूंगा तो ये लोग को पता चल जाएगा, वो आएगा यूट्यूब. इसका अपना गैराज शुरू करना है अपना. करूंगा. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आ गया. ठीक है, ओके, गैराज करूंगा, देखना सभी. सबसे पसंद आदमी, सबसे मजा किसके साथ आया, कितना मुझे सबसे ज्यादा मजा. मैं इसका नाम नहीं ले सकता, पर उसका दूसरा नाम है इधर डॉक्यूमेंट्री में, उसका नाम है स्ट्रॉबेरी. तुमको पता है कौन है? नाम मत लेना उसका. ठीक है, स्ट्रॉबेरी. मैं बेस्ट मेमोरीज उसके साथ थे, वर्स्ट भी उसके साथ में थे. हाँ, फॉर मी ये आकर तो बहुत अच्छा मेमोरी था. मैं उसका नाम ले सकते हो? ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी बहुत क्लोज है हम लोग. मैं तो इतना गारंटी है यार, मतलब उससे बहुत अच्छी मेमोरीज है. लेट नाइट वॉक, फिर हमने ग्रुप में प्रीतम बहुत कुछ सिखाया कि
मैं हमेशा बोलता था मुझे ऐसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े चाहिए, क्या होते थे कि पिंटरेस्ट में दिखा देते देखो ये तो कोई यहाँ यहाँ मिलता है, फिर उसको उसने दिखाया, फिर मैंने सोचा अरे हाँ यार ऐसा कपड़े तो यहाँ मिलते हैं, तब से मैंने शुरू कर दिया कपड़े फिर देखना कैसे चाहिए यार। और तुमको सबसे ज़्यादा क्या याद आएगा, कुछ कौन सा जगह कैंपस में याद आएगा सबसे ज़्यादा? झूठ नहीं बोलूँगा सच्ची बताऊँगा, सबसे ज़्यादा याद आएगा क्लासेस का, मुझे लाइब्रेरी का याद आएगा पता है क्यों क्या मुझे क्या हो गया हमारे थर्ड रूममेट को ब्लूमबर्ग हाँ मेरा वो डिसिप्लिनरी कमेटी का बात कर रही है और वो दोनों गए हुए थे तुम्हें तो हमने बचाया कुछ बचाया नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया था हमने मैंने कुछ गलत नहीं किया था तो वैसे भी स्कूल में जब थे ना क्लासेस में गेम खेलता था फिर से बाहर आंसर देता था गेम तक अभी किसी और के साथ गेम खेल रहे अब वो तुम्हारे साथ गेम खेल के चले गए नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ बहुत अच्छे है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं भी ऐसा ही कहता था फिर वो छोड़ के चली गई मेरी वाली नहीं गई ना जाने भी दो एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा इसको नो डिस्क्लोजर आदमी बहुत डिल्यूजन है पर हाँ एंजॉय तो हमने बहुत किया वो तो है हम बाहर गए थे इसको फर्स्ट टाइम बाइक राइड मैंने दी थी हाँ फर्स्ट टाइम मेरे घर वाले बैठे नहीं मिले ये 120 की स्पीड में गाड़ी में सो गया बोल रहा यार बाइक है कार नहीं तो मुझे घर वाले बाइक में बैठने नहीं देते तो चलो पापा अगर आप देख रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है बस मजाक कर रहा हूँ अंकल मैं मेरे पास री एग्जाम का काफी ज्यादा पेमेंट था ठीक है काफी ज्यादा पे किया मैंने फेल नहीं हुआ कॉलेज हाँ मेरे को फेल होने डर लगता पर एक बार हुआ था फास्ट अकाउंटिंग एक मार्क से निकाल दिया पर बाद में मैंने पास करवा एक्चुअली मैं भी उतना ज्यादा फेल नहीं हुआ तीन चार सब्जेक्ट में हुआ बस हाँ बहुत लाइक डाउन बैड हो गया हूँ अभी भी हूँ ऑलमोस्ट नहीं पता क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ इस फेज से नहीं करना चाहिए मूवन नहीं करना चाहिए मत करो बन जाओ आशिक दीवाने नहीं यार वो मुंह में लगी हुई आज बिरयानी है ना आज हमारा आखिरी बिरयानी होगा बॉक्स में हाँ यार मैं इधर ही आके फर्स्ट बिरयानी को इतना हेट करते हैं हम हाँ। जिस बिरयानी तैयार करें खाने के लिए तरफ रहे मैं फर्स्ट टाइम बिरयानी खाया हैदराबाद में आके इसके पहले कभी नहीं खाया था क्या साल का आदमी हम लोग को भी समझता था कि हम लोग 27 साल के है तो 27 हमारे इतना लुक डाउन करता है कि वो खुश है वही सबसे ऊपर है कुछ और राइट इट इज व्हाट इट इज फिनिश किया एट लीस्ट वी आर टुगेदर इसलिए बोल रहा था रूम चेंज करते हैं भाई हाँ यार एक्चुअली ये एवरी सेमेस्टर मुझको बोला कि ना आर्यन रूम चेंज करते हैं मैंने इसको बोला कि लाइक यू नो कि आर्यन अभिषेक को सुधर जाएगा एक और सेमेस्टर तो सुधर जाएगा अभी लास्ट सेमेस्टर में है अभी भी रिग्रेट कर रहा हूं कि क्यों नहीं चेंज किया मैंने अगर रूम चेक किया होता हमारे साथ अभी ये मैं और एक मनोज होता डेफिनेटली एक और लड़का है मैं उसको पसंद करता हूं बेसिकली वो अच्छा दोस्त है हमेशा बात मानता है अच्छा टाइप का पसंद करता है हां ये नहीं स्ट्रेट वाला जैसे यार मैं पसंद करता मैं भी उसको क्योंकि जब हम लोग सेमेस्टर 1-2 में थे उसका रूम हमारे सामने था मैं मतलब जो समझता था मुझे कि
ड्रेसिंग मतलब क्या है, गेम्स मतलब क्या है, तब तुम ड्रेसिंग में उतना ध्यान नहीं देते, अब देते हो जब उसके आने के बाद ड्रेसिंग पे तुमने ध्यान दिया। उसके बाद मैंने बहुत अच्छा था मतलब, अब मैंने इसको बोला था मनोज से बात करके कि मनोज के रूम में कोई नहीं है, आर्यन चलो रूम चेंज कर लेते हैं, एसी रूम है, 50,000 आ दे देंगे, आ जाएगा रूम। सुना नहीं किसी ने, गर्मी में भी तो यहीं पर सोना पड़ा, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर आज थैंकफुली क्लाउडी है, होपफुली सेफ ट्रैवल घर चला जाऊँ। मुझको मैं ना सैड हूँ, एक लाइक सैड स्केयर लाइक कंफ्यूज फील कर रहा हूँ, बट यू नो मैं ये सेकेंड टाइम फील कर रहा हूँ। क्रोएशिया के जब छोड़ा था मैं एक्सचेंज के लिए गया था मैं एक बार, तो जब वहाँ पर 6 महीने के बाद मैं सिटी छोड़ा तो तब भी ऐसा फील हुआ था, तो लाइक अभी उतना डिफिकल्टी नहीं हो रहा है मुझे पहले जितना हो रहा है। नहीं 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 मेरे लिए अपने क्लोज नहीं थे, बोलो क्लोज नहीं। मेरे लिए कौन कौन क्लोज थे, मेरे लिए ये क्लोज था अभिषेक मंडल, स्ट्रॉबेरी डेफिनेटली, रायन बीटेक का बंदा था, फिर एक छोटा बच्चा है, बेकार सा मतलब अजीब सा लड़का है, ठीक है, जो मन में आता है करता है, आदित्य है उसका नाम, अभी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया है, अच्छा लड़का है, बहुत मतलब बात सुनता है ठीक है, बहुत क्यूरियस है, अच्छा बहुत बात करता है, बहुत बात करता है अननेसेसरी। मैं रिया बैठे थे, क्या बोलते हैं तुम दोनों शादी करो तो ये करो, तो क्या बोल रहा है तू, क्या बात करने वाले का ना, बहुत क्यूट है बंदा, बहुत क्यूट है, बेचारे को क्या पता ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा गंभीर हो जा रहे हो, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, लाइफ वन में कुछ बनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उनको लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहता था कॉलेज में, मैं पता है जितना भी टाइम था सब स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस करके स्पेंड किया, मेरे को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। देखो सीधी बात है, ज़्यादा पैसे है नहीं, काम करूंगा तो फुल पैसे उड़ाऊंगा। मेरे पास जो भी इंटर्नशिप करके पैसा आया था मैं सिर्फ स्टार्टअप में डाल दिया, थोड़ा घूमने जाना चाहिए। मैंने इसको बोला था क्रोशिया जा रहा है, खर्चा करना अच्छे आराम से, संजू कुछ नहीं किया क्रोशिया, मतलब सब गए क्रोशिया, यहाँ वहाँ जाके कुछ ना कुछ उदंग बुदंग करके आए, बंदा सीधा घर सीधा आया। वो हैंकी पैंकी का बात कर रहे हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा वो लॉयल बॉय वाला प्रॉब्लम था मुझे, नाइस गाय सिंड्रोम था मुझको। अच्छा हाँ, स्टूडेंट नो ऐसा नहीं होता यार, दे विल दे वांट नो साइन ऑफ, मैं ये कंटिन्यू करूंगा, मैं लाइक एक्चुअली अपने लाइफ को पूरा डॉक्यूमेंट करूंगा अच्छे से, मैं उसे डॉक्यूमेंट करूंगा नहीं बेसिकली, मेरे को नहीं लगता कोई वीडियो इतना देखेगा हम लोग का क्योंकि हम लोग भी इतने फेमस नहीं है, या फ्यूचर में तो मैं होना चाहता हूँ डेफिनेटली, पर अगर देखते हैं तो इसको जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज करना कि लाइक अभिषेक अपना मोटो व्लॉग से कुछ करना, इसको जो भी इसको करना है स्टार्ट करना है, इसको मीडिया में आना है पर कुछ करता नहीं है, बट आलसी है, पूरा आलसी आदमी है। क्या करो, सोच रहा था मेरा रूममेट मेरे को बोले आगे बोलेगा सीक्रेट या मैं लेना है, नहीं पता यार मुझे वो थिंग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, चलो बट बस वेरी गुड यार, अच्छा ट्रस्ट करती है, पर समटाइम्स जब उसने नया नया बात करना शुरू किया था तो उसे समझ में नहीं आता था कब क्या बोलना चाहिए, पर अब बेटर बहुत अच्छा हो चुका है, he can keep secrets now finally properly, but I will miss him a lot, usko bahut miss karunga, abhi main kolkata mein nahi rehna to mujhe bilkul pasand nahi hai wo jagah, main mutu ye main apne liye bol raha hu, main bola apne liye bol raha hu, main bol raha hu ki main aryan ko bahut miss karunga, niya ko bahut miss karunga, rana ko miss karunga, priyatam ko miss karunga, कर दिया था तुमने धप्प डाला, आपका नाम नहीं लेना था, नहीं उसका नाम एकदम नहीं आना चाहिए इस चीज में, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अरे वो लड़की काट कट कर देना, कट कर दीजिए प्लीज कट, एक लड़की है उसका नाम ले लिया था इसने, मैं याद करूंगा क्योंकि हम लोग साथ में थे, बहुत साथ में थे, हमने दो सेमेस्टर साथ में निकाला हम लोग, कहते कैसे भूल जाऊंगा मैं, अच्छी दोस्त थी,
2 साल नॉट 2 साल अभी भी है वो था प्रियतम तो मेरा पैर तोड़ के सागर ने अपने कंधे पे लेके अपने रूम में लाया था मेरे को हाँ मुझे ओके ओके स्टेफ कंधे में तो नहीं उठाया क्योंकि बहुत पतला है प्रियतम ने उठाया हर्षित के साथ मैंने बहुत बातें की बहुत अच्छा था अद्वैत इज गे ही वोंट एडमिट इट बट ही इज गे तुम कैंपस में तो बताओ क्या क्या सोच के आते क्या क्या करना फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपस में आया था तो फर्स्ट थिंग था कि स्टार्टअप के लिए आइडिया चाहिए कोई कुछ था नहीं और छोटे कंपनी करना पर यहाँ का एक्चुअली मेरे को एंटरप्रेन्योर करने में पता चला या नहीं चला इस क्लास के वजह से मैं ऑनलाइन में सीखा कि क्या क्या जरूरत होती है क्या क्या नहीं होती है तो टाइम लेना चाहिए जस्ट कूदना नहीं चाहिए तो अच्छा मतलब तो बहुत कुछ सीखा मैं स्टार्टअप अकाउंटिंग जो लोगों को करना पड़ता है मैं खुद से कर सकता हूँ अभी तो बहुत कुछ सीखा मैंने कॉलेज में मैं सीखा नहीं मैं सोच के आया था मुझे एक स्टार्ट मुझे मैं जब सोच के आया था कि मुझे करना है मुझे एक स्टार्टअप करना है मुझे एक्सचेंज पे जाना है और क्या नहीं करना है वो है कि एक रिलेशनशिप में नहीं आना है क्या एक गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए मुझे और वो कर दिया मैंने सेम यार मैंने सोचा नहीं था कि गर्लफ्रेंड बनेगी कोई मेरे परमानेंट में एकदम सीधा आता है कि यार मैं गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है अच्छा कॉलेज आए इन जगह जाऊँ गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स नॉट नॉट एवरीबॉडी सबसे बेस्ट टाइम था मेरा वर्स्ट टाइम था वर्स्ट सेमेस्टर था मेरे लिए फोर्थ सेमेस्टर बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था जिस लोगों को बोला था एक जन को बोला था कि हेल्प करने के लिए मेरे को एग्जाम में हाँ बिल्कुल हेल्प नहीं किया मतलब प्रिपरेशन बिच कर दिया मुझे अच्छा मैं क्या बोलूँ नाम लिया ना बिच कर देना नाम को बिच कर देना तुम्हारे नाम को मेरे नाम को उसका उसका नाम बिच कर देना मज़ा आएगा ठीक है यार थोड़ा सेंसर करके रखना पड़ेगा बहुत अच्छा था ये इसका लाइक भी थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता है तो कुछ नाम सेंसर कर लूंगा मैं तो पर गाइस ट्रस्ट मी अगर तुम वॉकसन के लोग हो एवरीवन ऑल 100 पीपल्स फ्रॉम माय बैच मोर देन 100 डेज आई रियली लव ऑल ऑफ यू गाइस एवरीवन आई रियली विल मिस यू गाइस कि हम लोग ज्यादा बात किया है नहीं बट आई रिमेंबर टॉकिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द होल क्लास एक बार किया होगा पर मैंने किया है really all you guys are all cool all different all best but there are some special choices but it was really fun mere liye mere best classmates the jo mere specialization mein tha in log ke class mein like 50 60 70 log the specialization ke liye mere class mein sirf 10 log the aur fifth semester mein ek german student aaya tha exchange ke liye sixth semester mein ek russian student aayi thi exchange ke liye सो लाइक 10 स्टूडेंट्स थे मैं तो नाम लेना तो चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे लोग थे सबके सब अच्छे थे इंद्रपाला जयंत भगवत श्रीनिश सात्विक सोनित अदिति उसका नाम तुम नाम नहीं कर पाओगे एक लड़की है उसका नाम मैं नहीं ले सकता लेट्स जस्ट कॉल हर स्ट्रॉबेरी मैं था और एक जन पे था डैम मैं नहीं यार एक और कोई जन था काश्यप भी था और एक और लड़का था रोहित वो कभी क्लास में नहीं आता था तो ठीक है ओके वेल यू गाइस आर वेरी गुड आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन आई लव एवरीवन फ्रॉम माय एआरडीएस क्लास एंड आल्सो ऑल द डिजाइन फ्रेंड्स आई हैव आल्सो बीटेक फ्रेंड्स ऑफ कोर्स प्रियतम एंड एवरीवन निश्चय एज वेल really close to me also everyone you guys really enjoyed design btech architect well bas kya bolna hai aur to kuch nahi hai that's all bas ab kuch cut karke sensor karke ab kuch kar dunga main I'll miss the college thank you Watson yeah thank you Watson as a university you were very shit up like honest like you guys are developing अब अच्छा है पर जब हम लोग आए इट वाज बेटर बट यू गाइस हिज ओपिनियंस मेरा ओपिनियंस लाइक ठीक है एवरेज ओके बिकॉज़ आई थिंक इट कुड हैव बीन मच बेटर अगर यू गाइस वर मोर
supportive towards us. It was like you guys are forcing your morals on us, forcing yourself on us. Like, it's good कि हमें rules follow करना चाहिए, पर मैंने कभी rules तोड़ा नहीं, फिर भी तुम लोगों ने ऐसे treat किया नहीं. So ये भी ठीक है. नहीं rules तोड़ते तो अच्छी बात होती, पर बिना rules तोड़े तुम लोग थोड़ा ज़्यादा ही positive हो गए. ठीक है, चलो last चीज़ okay. अब एक प्रॉमिस कर सकते, 5 साल के बाद में तुम किधर देखते हो अपने आप को? गैराज में, अपने गैराज होगा. ठीक है, मैं 5 साल के बाद में देखता हूँ, मेरे पास में, मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया हूँ, एक बीवी, मुझे शादी, कुछ नहीं, शादी ना हो जाए देखकर. नहीं, अभी कैसे होगा, अभी यार किस साल का ही हूँ मैं. हाँ, इंडियन रूल 22 एक्ट 22 थी, कौन सा कितना है? देखो यार, कुछ भी ठीक है, अभी शादी नहीं होगा यार, पहले मूव ऑन तो करना पड़ेगा यार. ठीक है, मैं तो 5 साल को अपने पास देखता हूँ, मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया हूँ, मेरे पास में, मेरे को कोई भी चीज़ खरीदने के पहले सेकेंड टाइम नहीं सोचना पड़ेगा. एक्चुअली नॉट सेकेंड टाइम, पुल डाउन माय क्रेडिट कार्ड. दिल कशी में दिल लगी तो दिल कहीं और मैं